हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ इज सोना। कैसी हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं हो रही हूँ यहाँ पर तैयार। तो क्यों हो रही हूँ तैयार? कहीं जाना है मुझे। एंड आज मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। तो काफ़ी टाइम से उस न्यूज़ का वेट था, तो फाइनली आज वो खुशी मतलब मुझे फाइनली मिल गई है। चलिए फटाफट से घर के सारे काम निपटा लेते हैं और फिर चलते हैं जहाँ हमें जाना है। तो गाइस, आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और आज है संडे। और मुझे ये नहीं पता कि ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कब मिलेगा, क्योंकि अपलोड करने का टाइम अलग अलग होता है। जो वीडियोस पहले की होती है ना, वो मैं पहले अपलोड करती हूँ, जो बात की होती है वो बाद में। अब ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ में ये मैं कब शेयर करूँगी। एंड आज पहली बार, मतलब पहली बार तो क्या कह सकते, बहुत दिनों के बाद मैं आज जल्दी उठी हूँ, संडे के दिन स्पेशली। यूँ तो मैं जल्दी उठती हूँ, लेकिन संडे वाले दिन मैं कभी नहीं उठती। तो मैं इसलिए जल्दी उठी हूँ कि मुझे जाना है आज एक यूट्यूबर से मिलने, एंड एक इन्फ्लुएंसर भी बोल सकते हैं, यूट्यूबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी इंस्टा पे अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। मेरी नहीं है इतनी, बट उनकी है, एंड यूट्यूब पे भी है। हाँ, यूट्यूब पे मुझसे कम है, लेकिन उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो बस मैं कल से उसी तैयारी में लगी और बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि यार पहली बार मैं किसी यूट्यूबर से मिल रही हूँ। और सुबह उठने के बाद में मैंने झाड़ू पोछा और सब कुछ कर लिया, और नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय वगैरह बनाई थी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं नाश्ता बनाऊँ। और उसके बाद नहाना धोना, कपड़े धोना, सारा काम, क्योंकि हो सकता है मैं लेट भी हो जाऊँ आने में। तो बस मैंने सोचा सारा काम कर लेते हैं और फिर आराम से चलेंगे, ताकि क्या है ना, शाम को आने के बाद में कोई भी टेंशन ना रहे। बस ये टेंशन है कि पानी अगर आ गया ना, तो मेरे घर सारे कपड़े यहीं पे डाले हुए हैं, तो बस वो गीले हो जाएंगे। तब देखेंगे, जो भी होगा, जैसा भी होगा, क्योंकि यार घर पर कोई रहता नहीं है तो कोई उठा ले। तो चलिए अब नीचे जाती हूँ, वहाँ जाकर सारी पैकिंग करती हूँ, कैमरे वगैरह रखती हूँ, फ़ोन वगैरह सब रखती हूँ। मैंने वैसे सब चार्ज कर लिया है, बस अब जाने की तैयारी है। तो मैं कौन से यूट्यूबर से मिलने जा रही हूँ और वो कौन है, वो तो सब आपको वहाँ जाकर पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, और हो सकता है रास्ते में हम लोग नाश्ता भी करें, क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोर से लग रही है। मैं नाश्ता नहीं बना पाई, नहीं तो मैं लेट हो जाती। और वेदर बहुत अच्छा है, क्योंकि कल रात को बहुत बारिश हुई थी, उसकी वजह से आज मॉर्निंग का वेदर बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह उठने में यार बहुत अच्छा लगता है, यार बहुत टाइम बाद जल्दी उठी। अब मैं सोच रही हूँ मैं अपना रेगुलर टाइम बना लूँ, जल्दी उठूँ। और चश्मा देखिए, ये वाला दूसरा चश्मा है, एक जो वो गाड़ी से गिरी थी तब तो एक टूट गया था, उसके बाद से मैंने दो चश्मे बनवा लिए, एक ये वाला, एक और ब्लैक वाला, और दोनों नंबर वाले। हाँ, ऐसे स्टाइलिश चश्मे नहीं है। तो चलिए चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं छोटू सा फूल खिला है, जो कि ना बहुत प्यारा लग रहा है, रेड रोज, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसे तोड़ लेते हैं और हमारे घर के अंदर ले लेते हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल, देख कितना प्यारा लग रहा है। भगवान जी को चढ़ाना है, चलो ले अंदर, पकड़ो इसको। तो गई जी, लड़की नहा ली है और रेडी भी हो गई क्या? हाँ, तो फ्रेंड्स ये लड़की भी मेरे साथ में आ रही है। इसका प्लान पहले नहीं था, बट सडन बन गया। मैंने सोचा चल तू भी चल, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और थोड़ा सा काम है वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो मैडम दिखती हूँ क्या इनकी? हेल्पर की बात नहीं है, बहन है ना, एक चाटा पड़ गया ना। गाइस, कैसे कैसे लोग होते हैं ना इस दुनिया में, किसी का कोई भरोसा नहीं होता है, कोई कुछ भी कहते हैं मुंह उठा के। और मैडम कैसी लग रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये पतली सी मैडम, पतली टांगों वाली। तो गाइस, हम दोनों में सेम, हम सब लोग बोलते हैं कि आप लोगों की सेम शक्ल है, सेम शक्ल है। हाँ, हो सकती है कि हम दोनों की सेम शक्ल हो, बट देखो मुझे पसीना हो गया ऊपर से नीचे इतने, बट मैं मोटी हूँ और ये दुबली है, बस इतना सा फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। और कितनी ट्रेनिंग हो गई है मुझे, कितनी, जबकि मैं इतना ध्यान रखती हूँ स्किन का, वो यार मैं बाहर घूमने गई थी ना, उसकी वजह से हुई है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो चलिए मैडम रेडी हो जाते हैं, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस, बस हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बस थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, एक फिल्म की शूटिंग के लिए। अच्छा, तो हमको देखो ना कि हमारे पास ऑर्डर आने लगे हैं फिल्म की शूटिंग के लिए, तो कितनी बड़ी बात होती है ना गाइस, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और प्लीज गाइस, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना,
आप बिना सब्सक्राइब करे हुए चले जाते, अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए मिलते हैं अब वहाँ जाकर जहाँ हमको जाना है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका गुड्डू की पलटन में। और ये बेटी है गुड्डू की पलटन। तो गाइस देखिए, हमारे साथ ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ तो स्यापा हो ही जाता है। गाड़ी पंचर हो गई है। और अच्छा वो पता चल गया, तो यहाँ पे भैया की दुकान थी, तो हम लोग यहाँ पंचर बनवा रहे हो और सब लोग बैठे हैं, देख सकते हो आप। ये इधर फोन चल रहा है मस्त, और भैया उधर बना रहे हैं पंचर। एक सेकेंड आपको दिखाते हैं। गाइस हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, पंचर बन रहा है। ऐसा लगा मेरे को गोटू गोटू पानी चल रहा है। पर हमारी एक गाड़ी वहाँ पड़ी है, एक गाड़ी हमारी यहाँ पे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। और अभी आप देखे ना, घुटू तो पता नहीं किसी दुनिया में भाग रहा था। गाड़ी इतनी तेज चला रहा था कि बहुत आगे पहुंच गया। तो फिर हम लोगों ने आवाज लगाई, फिर भी नहीं सुना। फिर मैडम को कॉल किया, तो मैडम ने फोन उठाया, उसके बाद पता चला कि हमें इधर वाली साइड में आना है। तो जैसे तैसे हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। और जैसे ही पहुंचे ना, तो ये लोग रोड पे ही खड़े थे हमारा वेलकम करने के लिए। और आते से ही मतलब मुझे ना बहुत हंसी आई। मैंने सोचा यार कि गोटू अगर आज उधर चला जाता तो हम लोग आके वीडियो बना के घर चले जाते और इसको पता ही नहीं चलता पीछे की क्या हो रहा है। भैया से मिलने की उसी में पता ही नहीं चल रहा गाड़ी कितनी तेज चल रही है, कितनी नहीं चल रही मतलब सबसे ज्यादा एक्साइटेड गोटू ही था। और रास्ते में बस यही बोलते आया कि हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी उनसे मिलवाएंगे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था ना कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ, तो वो सस्पेंस अब जाकर खत्म होगा। तो फाइनली अब आपको हम उन लोगों से मिलवाएंगे, बट थोड़ी देर के बाद। अभी हम कुछ बात करेंगे, उसके बाद आप लोगों को मिलवाएंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है सोना जी कितनी दुखी है, आपने मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा, इनके ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि इनको बस केवल खाना 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 मिल जाए तो सब चीज मिल जाती है। ऐसा नहीं है गाइस, अभी तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं। मैं अच्छे से नाश्ता करके आई, आते से दाल बाटी मिल गई, दाल बाप ने मैं तो बहुत सारा नाश्ता करके आई। अभी आपने देखा था ब्लॉग के स्टार्टिंग में कितना सारा नाश्ता किया था। किसी को खुशी नहीं हो पर मुझे जरूर होगी। ये सबसे बड़ा लड़के को लगी है, यही सबसे बड़ा भूखा है मालूम नहीं से आपको। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं, उसके बाद में वीडियो भी शूट करना है, नहीं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लेट पहुंचे हैं। तो बहुत सारा काम बचा है और सब ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है, बट कोई भी ऐसा नहीं है। और हाँ, जिनसे मिलवाने वाले हैं वो जरूर हैं, हम लोग तो नहीं है बट वो हैं। मिलवाएंगे लेकिन आराम से, क्योंकि बहुत सारी बातें बताएंगे आपको उनके बारे में। थोड़ा सा सस्पेंस और है कि कौन है जिनसे हम मिलवाने वाले हैं। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं फटाफट से, उसके बाद आप लोगों को मिलवाएंगे।